नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज रेलवे सेक्टर के कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है। और इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि रेलवे का जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी के ऊपर काम करते हैं आरबीएनएल। तो आरबीएनएल से एक बहुत अच्छा खासा बड़ा न्यूज अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे डेटा मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पे, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जाकर फटाफट डीमेट अकाउंट ओपन भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात कंपनी के ना डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। रेलवे निगम जो विकास निगम लिमिटेड है, वो एक्चुअली देखा जाए एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे विकास निगम लिमिटेड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे, तो मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने सारे काम है, बिल्डिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो कौन कौन करता है, आरबीएनएल करते हैं। और यहाँ पे देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2003 से, जनवरी 24 से, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। और यहाँ पे मतलब दिल्ली में होगा नहीं, दिल्ली में ही है, माफी चाहता हूँ। तो रेवेन्यू के बारे में बात कर दो, 10,000 करोड़ का टोटल इसका रेवेन्यू है। देखिए, रेवेन्यू एक्चुअली एक साल के पीरियड से बताए जाते हैं। तो यहाँ पे 2019 के हिसाब से, अभी तो 2020 चल रहा है, तो सॉरी 2022 चल रहा है, तो इस फिगर में देखा जाए तो रेवेन्यू बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो कितना रेवेन्यू बढ़ा वो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है, अभी 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पे गूगल में जो 19 के रिपोर्ट के हिसाब से दिया रहा है 545। तो यहाँ पे टोटल एसेट के बारे में बात करो तो 11,400। तो कंपनी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जितने सारे मेट्रोज है, हाई स्पीड ट्रेन है, उसके लिए जो इसका जो सब्सिडरीज है वो कंपनी भी इसी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मगर रेल आरबीएनएल दोनों तरीके से काम करते हैं। एक खुद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, जो जितने सारे हाई स्पीड ट्रेन होते हैं, जितने सारे हाई स्पीड जितने सारे रेल्स होते हैं उसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जितने सारे रेल लाइन के लिए काम होते हैं वो भी इसी कंपनी करते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो कंपनी की कौन सा गुड न्यूज है वो गुड न्यूज के बारे में जरूर बताऊंगा। देखिए, कंपनी का प्राइस रेंज यहाँ पे चेंजिंग होते रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए 30 से 33 इस प्राइस रेंज में चला है, तो एक पैनी स्टॉक आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड आपको पे आउट हमेशा देते हैं। देखिए, आपको डिविडेंड चाहिए, कोई भी कंपनी में आपको डिविडेंड चाहिए तो हमेशा आपको उस कंपनी के बारे में एक बार स्टडी जरूर करना है, उसके बाद निवेश करना है। देखिए, डिविडेंड तो देखा जाए तो अगर मान के चलिए 2000 कंपनी है, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 2000 कंपनी है, इनमें से करीबन करीबन देखा जाए 1900 कंपनी ज्यादातर डिविडेंड देते हैं और 100 कंपनी डिविडेंड नहीं देते, मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। हाँ, कभी किसी कुछ कुछ कंपनी है जो साल भर में एक बार डिविडेंड देता है, कुछ कंपनी है 2 साल में एक बार डिविडेंड देता है, कुछ कंपनी है साल भर में 7-8 बार डिविडेंड देते हैं। मतलब तो डिविडेंड किस लिए देते हैं, अगर कंपनी को अर्निंग नहीं होते हैं तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से देगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा डिविडेंड आपको चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कंपनी चूज करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी का डिविडेंड कितना है, वो जो डिविडेंड का न्यूज है वही यहाँ पे पूरा बात करूंगा। आरबीएनएल डिक्लेयर्स इंटिम डिविडेंड, देखिए मैं दो तरीके से डिविडेंड को आपके सामने रखता हूँ, एक इंटिम डिविडेंड है, एक डायरेक्ट डिविडेंड है। तो डिविडेंड दो तरीके से है, इंटिम डिविडेंड जो है वो एक्चुअली जितने सारे शेयर होल्डर है वो डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, जो इसका प्रोमोटर है, इसका प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर सिर्फ के सिर्फ प्रोमोटर के हिस्सेदारी कम होते तो यहाँ पे डिविडेंड, इंटिम डिविडेंड आपको नहीं मिलता,
वहां पे डायरेक्ट आपको डिविडेंड मिलता, और वो भी जितने सारे शेयर होल्डर है उसका अप्रूवल लिया जाता, उसको वोटिंग किया जाता, अगर वो वोटिंग का राय ज्यादा होते तभी डिविडेंड अनाउंसमेंट होते। तो यहाँ पे देखिए इसका डिविडेंड का फिक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं, तो चलो देख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड डेट है। तो सबसे पहली बात, कितना डिविडेंड मिलेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आरबीएनएल जो हैज डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड 1.58 पर शेयर ऑफ ₹10 रीच, मतलब इसका फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है, तो इसलिए दैट इज 15.80। तो एक्चुअली देखा जाए तो 1.58 के मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आपको देखा जाए तो 15.80% का टोटल डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो इसी चीज को आपको देखना चाहिए। देखिए 30 रुपीज का एक शेयर आपको 1.58 रुपीज का डिविडेंड दे रहा है, मतलब कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड है। मान के चलिए आपके पास 1,000 शेयर है तो आपको कितना मिलेगा, आपको 1,000 करीबन 500 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो इस बात को भी आपको तो ध्यान रखना है, तो 1,580 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो अच्छा खासा डिविडेंड आपको इस तरीके से कंपनी में मिलता रहता है। तो चलो देख लेते हैं इसका एक्स डेट कौन सा है, मतलब कौन सा डेट से पहले आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको भी इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा, अगर आपने पहले से खरीदारी करके नहीं रखा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो डेट है, मैं चलो डेट दिखा देता, यहाँ पे देख सकते हैं द रिकॉर्ड डेट हैज बीन फिक्स्ड फ्राइडे के दिन 25 मार्च। तो 25 में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, 25 मार्च के दिन यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 25 से 2 दिन पहले ऑब्वियसली मार्केट ओपन होना चाहिए, 2 दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और पहले से आप खरीदारी करके रखे तो कोई बात नहीं, आपको तो डिविडेंड मिल ही जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए मैं बहुत सारा डिविडेंड मुझे मिलता रहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत सारा डिविडेंड मिलता रहता है। तो यही मेरा बेनिफिट है, और साथ ही साथ स्टॉक में प्रॉफिट भी परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न भी मिलता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा एक फायदा हमेशा मिलता रहेंगे, अगर सही स्टॉक में आप खरीदारी करके रखे हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए कि डिविडेंड मिलने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहिए? देखिए डिविडेंड मिलने के बाद आप निकल जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी होगा, शायद थोड़ा सा लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से भागेगा नहीं, बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगा नहीं। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे मैक्सिमम तो आप देखेंगे कितना वोलाटिलिटी है। पहले वोलाटिलिटी होने का जो मेन कारण है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा मोटा कंपनी है, एकदम एकदम एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं, तो उसमें तो वोलाटिलिटी रहेगा ही। तो फिर भी देखिए कंपनी छोटा होने के बाद भी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कंपनी हमेशा आपको देते आए हैं। अभी जाता हूँ तो दूसरा कंपनी आ गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे विकास जो निगम लिमिटेड आरबीएनएल जो है वो आपको ऑलमोस्ट 4.77 डिविडेंड यील्ड मतलब कितना परसेंटेज डिविडेंड आपको दिया है पर शेयर के, कंपनी के शेयर के बेसिस से, तो 4.77% ऑलमोस्ट दे चुके हैं, फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है तो उसको भी ऐड किया जाएगा। और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी छोटा होने के बाद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देख लीजिए कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी 6,000 करोड़ का कर्जा लिया, उतना ज्यादा कर्जा नहीं है। एनुअल इनकम जो है वो 900 करोड़ का टोटल एनुअल इनकम है, और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए 1% है, उतना ज्यादा भी डेप्थ नहीं है, 1% चलता रहेगा क्योंकि कंपनी का इनकम भी हो रहा है, इस बात को भी तो आपको ध्यान में रखना है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखिए कितना शानदार है, 5.636 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, कोई खराब ही नहीं है। तो फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी का हाथ में 500 करोड़ का कैश भी है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कंपनी के देखिए ज्यादातर पोर्स मतलब जो पॉजिटिविटी है ज्यादातर देखने को मिलेगा। हाँ दोनों ही चीज नेगेटिविटी में है, एक कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिला है, और लाइबिलिटी मतलब आपको वो कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3,300 करोड़ का लाइबिलिटी है। और यहाँ पे देखिए कंपनी माइट भी यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंपनी का कैपिटलाइज हो रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए कंपनी जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस करते हैं, जो इसमें माइक्रोटेक डेवलपर जिसके ऊपर मैं पहले दिनों में वीडियो बना के दिया था वो नंबर 1 है, वो प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी देखा जाए तो आरबीएनएल है, तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे
कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल डिटेल्स जो है, कंपनी हर साल में अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो इनकम के मतलब इनकम के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंस कम भी है। और इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल के लिए देखा जाए तो, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपनी देखिए अभी फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट में नया आया है, तो फ्यूचर में क्या होगा देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जितने सारे कंपनी है मैं सारे के सारे डेटा चेक करता रहता हूँ, वहां पे मुझे ज्यादातर देखने को मिला कंपनी पहले तो इंटर लोन नहीं लेते, फ्यूचर में इतना ज्यादा लोन लेते हैं कि कर्जे में पूरा के पूरा डूबा रहता है। तो कंपनी के देखिए एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे, देखिए कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ तो फिर भी आपको 8% तक रिटर्न दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। और इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी यहाँ पे देखिए FIS और DIS जो है वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर भी देखिए DIS ने तो अच्छा खासा माल उठा के रखा, पहले तो ना के बराबर माल था, अभी देखिए ना के बराबर था, अभी तो वो अच्छा खासा माल उठा के रखा। और प्रोमोटर के पास तो पहले तो 100% था, अभी वो 78% होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है, और पब्लिक के पास 12% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। और हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें आप ज्यादा निवेश मत कर दीजिएगा कि 1, 2, 3, 4 लाख निवेश कर देंगे तो आपका कैपिटल के हिसाब से आप जितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 10% इन्वेस्ट करिए, तभी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।